सम्मान्य शिक्षक साथियों एवं विद्यार्थियों, आज के इस कालखंड में मैं पुनः प्रतिभा पर्व में गणित विषय के मूल्यांकन हेतु जो प्रश्न पत्र आया था, उस प्रश्न पत्र में भिन्न अर्थात फ्रैक्शन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के कालखंड में हल करके बताऊंगा, क्योंकि भिन्न से संबंधित जो प्रश्न है वो विद्यार्थियों को कुछ कठिन लगते हैं। अतः इस वीडियो के माध्यम से हमारे विद्यार्थी देख पाएंगे कि हमें भिन्न से संबंधित प्रश्नों को किस प्रकार हल करना है। तो आइए यहाँ देखते हैं। यहाँ देखेंगे कि प्रतिभा पर्व गणित का प्रश्न पत्र भिन्न फ्रैक्शन से संबंधित प्रश्न। यहाँ पर मैंने कुल जो प्रश्न है भिन्न से संबंधित वो प्रश्न क्रमांक जैसे 8, 19, 21, 29, 34, 35, 36 और 37 लिखा है, और इनमें भिन्न से संबंधित जो जानकारी वो पूछी गई थी। प्रश्न क्रमांक 8, छायांकित भाग द्वारा प्रदर्शित भिन्न कौन सी है। यहाँ चित्र देखेंगे, इस चित्र में ये चार खंड बने हुए हैं, ठीक है, और चार खंडों में से जो छायांकित भाग है, यहाँ 1, 2, 3 खंड हैं और एक खंड खाली है। तो जो छायांकित भाग अर्थात जो भरा हुआ भाग है वह कितने भाग को प्रदर्शित करता है, यानी कौन सी भिन्न को प्रदर्शित करता है। ए नंबर है 1/4, बी है 3/4 और सी है 4/3 और डी है 1/3। अब देखिए, जब भिन्न की उदाहरण हम अव्यक्त करते हैं या चित्रों के माध्यम जब भिन्न को अव्यक्त करते हैं तो हम देखते हैं कि कुल कितने बराबर भाग है। तो यहाँ जो सभी खंड हैं ये सभी खंड एक बराबर है, अर्थात यह एक प्रकार से वर्ग है और इस वर्ग के अंदर चार वर्ग बने हुए हैं एक बराबर माप के, ठीक है, और चार में से तीन भरे हुए हैं अर्थात छायांकित है। अतः जितने कुल भाग है उसको हम काय में लिखते हैं, हम उसको लिखते हैं हर में। चार भाग कुल हुए हैं तो उसको हमने हर में लिख दिया, और जितने भाग भरे हुए हैं उसे हमने लिख दिया अंश में, अर्थात 1, 2, 3 भाग भरे हुए हैं तो हमने उसे क्या में लिख दिया, अंश में लिख दिया। इस तरह हमारी यह भिन्न आएगी और हमारे विकल्प नंबर बी में यह दिया हुआ है, अतः विकल्प नंबर बी सही होगा, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 19। इसमें भी भिन्न से संबंधित जानकारी पूछी गई थी, किस चित्र में 3/5 भाग छायांकित है। यह चित्र दिए गए हैं ए, बी, सी और डी विकल्प में, और यहाँ पूछा गया है कि किस चित्र में 3/5 भाग छायांकित है। सबसे पहले पहले चित्र की बात करते हैं। सबसे पहले हम ए में देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए कुल भाग कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 पांच भाग इसमें है, पर जो छायांकित कितने हैं, 2 है। तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि जितने खंड है बराबर बराबर उनको हम काय में लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं हर में, और जितने भाग छायांकित है उसको कहां लिखते हैं, अंश में लिखते हैं। तो 2 भाग इसमें छायांकित है तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ऊपर 2। तो ये जो चित्र है यह 2/5 को दर्शाता है। बी में देखते हैं, यहां पर भी 5 भाग है, 1, 2, 3, 4, 5 बराबर बराबर माप के, तो इसके भी हम हर में 5 लिख देते हैं, और कितने भाग छायांकित है, 1, 2, 3, तो 3 हम ऊपर लिख देते हैं। तो यह जो भिन्न है, यह जो चित्र है यह 3/5 को दर्शाएगा। सी में चलते हैं, तो सी में भी 5 भाग है बराबर माप के, 1, 2, 3, 4, 5, तो हम हर में 5 लिख देंगे, और कितने छायांकित है, 1, 2, 3, 4, तो हम छायांकित कितने हैं उसको अंश में लिख देंगे। तो यह चित्र है 4/5 को दर्शाएगा। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर तो यहाँ पर 5 खंड किए गए हैं बराबर और भाग है, तो हम हर में 5 लिखेंगे और पूरे भरे हुए हैं सभी छायांकित, तो हम ऊपर भी क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। अतः यह जो चित्र है वो 5/5, या हम जब इसको हल करेंगे तो 5×5 अर्थात पूरे एक भाग को दर्शाता है। अब ये कह रहा है कि किस चित्र में 3/5 भाग छायांकित है, तो निश्चित तौर से हमारा बी विकल्प सही होगा, क्योंकि ये जो चित्र है यह 3/5 को दर्शा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार हम बच्चों को समझा सकते हैं, बच्चे समझ सकते हैं कि किस प्रकार हमें इन्हें हल करना है। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 21। इसमें भी भिन्न से संबंधित जानकारी दी गई है। यह एक चित्र दिया है, इस चित्र को घड़ी की दिशा में 1/4 घुमाने पर कौन सी आकृति बनेगी। अब देखिए यहां पर यह आकृति दी गई है, इसको कह रहा है घड़ी की दिशा में। अब घड़ी की दिशा कौन सी होगी, हम जब घड़ी देखते हैं तो घड़ी बाएं से दाएं की ओर घूमती है, अर्थात उसके हम घंटा कांटा की बात करें, मिनट कांटा की बात करें या सेकंड कांटा की बात करें, तो सभी कांटे जो हैं या सभी जो हैंड्स हैं वो बाएं से दाएं की ओर घूमते हैं, तो वो कहलाएगी घड़ी की दिशा, अर्थात हमें इस प्रकार इस आकृति को घुमाना पड़ेगा ऐसा, ठीक है, यानी इधर से ऐसा इस प्रकार हमको घुमाना पड़ेगा, तो
इस चित्र को यदि हम 1/4 घुमाते हैं, अब घड़ी में कुल अगर हम घड़ी के 4 भाग कर दे, मान लिया जाए ये घड़ी है, ठीक है, इस घड़ी में 4 भाग कर दे, तो ये यहां से यहां तक 1/4 हुआ, दूसरा फिर ये 1/4 हुआ, और ये तीसरा 1/4 हुआ, ये चौथा 1/4। अतः हम यहां से यहां तक घुमाते हैं तो 1/4 होता है, ठीक है, और यहां से यहां तक घुमाते हैं यानी आधा, यानी कुल मिलाकर 1/2 होता है, और यहां से यहां तक जब घुमाते हैं तो यहां 3/4 होता है, अर्थात 1, 2, 3 भाग घुमा लिया, और पूरा जब एक पूरा भाग हो जाएगा तो पूरा एक भाग हो जाता है। अब 1/4 घुमाना है इस आकृति को, ठीक है, तो ये आकृति कैसी घूमेगी, ऐसी घूमेगी, यानी कुल मिलाकर ऐसी हो जाएगी 1/4, यानी ये 1/4 भाग ये वाला है, तो आकृति हमारी कैसी बनेगी, ये आकृति इस प्रकार हो जाएगी, ठीक है, आप देखेंगे तो इस प्रकार ये आकृति हो जाएगी। तो यहां देखेंगे किस आकृति में इस प्रकार आकृति बन रही है, डी नंबर में, तो हमारा विकल्प कौन सा होगा, ये होगा। इसमें बच्चों को समझाने की बात ये होती है कि घड़ी की जो दिशा, तो घड़ी की दिशा का आशय यही होता है कि घड़ी जिस ओर घूमते था, घड़ी के घंटा काटे की बात करें, मिनट काटे की बात करें, या सेकंड काटे की बात करें, जिस दिशा में घूमते अर्थात बाएं से दाएं तरफ घूमते वही घड़ी की दिशा होगी, ठीक है। अब घड़ी के विपरीत कहे तो उल्टी दिशा यानी दाएं से बाएं तरफ हो जाएगा, और घड़ी की दिशा में कहे तो बाएं से दाएं हो जाएगा। और यदि 1/4 कहता मान लो, तो कुल मिला के हम इसके 4 भाग बना दे टोटल, यानी घड़ी पूरी पूरे डायल के 4 भाग बना दे, उसमें से एक भाग घुमाना यहां से यहां तक, ठीक है, तो इस प्रकार यह आकृति आएगी। अब हम आगे चलते हैं, तो प्रश्न क्रमांक 29 में भी भिन्न से संबंधित प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी। अब यहां भिन्न दी गई है 3/4, इसी के बराबर लिखा हुआ है 9, और उसमें दिया है डिब्बा, यानी बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां बॉक्स दिया हुआ है तो यहां पर कौन सी संख्या आएगी, हमको ये भरना है, तो ये कुल मिला के 3/4 बराबर, अर्थात ये जो भिन्न है इसके तुल्य भिन्न ये होगी, इसके बराबर कौन सी भिन्न होगी। अब यहां हमको देखना पड़ेगा कि कौन सी भिन्न आएगी, तो हम विकल्प देखते हैं, ए में 10 है, बी में 16 है, सी में 13 है, और डी में 12 है। अब यहां अंश 3 है, हर 4 है, यहां पर अंश 9 है, और हर में खाली स्थान दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहां 3 है, 3 में किस संख्या का गुणा किया गया होगा तब 9 आया होगा, तो निश्चित तौर से 3 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 3 तरह 9 आता है, ठीक है। इसी तरह 3 का गुणा हमको 4 में भी करना होगा, क्यों, क्योंकि इसमें बच्चों को नियम बताया जाता है कि यदि किसी भिन्न में उसके अंश और हर में एक समान संख्या गुणा करे या भाग करे तो उस भिन्न में कोई अंतर नहीं आता है, तो निश्चित तौर से 3 में या अंश में हम 3 का गुणा कर रहे हैं तो हर में भी हमको 3 का ही गुणा करना पड़ेगा। ये इसमें बच्चों को बताने वाली बात खास ये है कि किसी भिन्न के अंश और हर में एक समान संख्या का ही गुणा करे या एक समान संख्या का ही भाग करे तो उस भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके तुल्य भिन्न ही हमें आगे प्राप्त होती है। हमको अलग अलग संख्याओं का अंश और हर में गुणा नहीं करना या भाग नहीं करना होता है, ये नियम है, ठीक है। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, 3 जब ऊपर 3 का गुणा किए तो 9 आया, तो 4 में 3 का गुणा किया जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा, और हमारे विकल्प नंबर डी में यह दिया हुआ है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, तो इसके बाद प्रश्न क्रमांक 30 की हम बात करें, तो प्रश्न क्रमांक 30 में भी भिन्न से संबंधित ही जानकारी दी गई है, और इस प्रश्न के संबंध में मैंने पूर्व में एक वीडियो में जानकारी दी है, आप चाहे तो उस वीडियो को आई बटन पर जाकर के देख सकते हैं उसको किस प्रकार मैंने हल करा है। उसमें प्रश्न ये दिया हुआ है कि दिए गए 1/2 में कितने 1/8 भाग सम्मिलित है, ये दिया हुआ है, ठीक है, तो उस प्रश्न को मैंने हल करा दिया है, आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 34 पर, तो यहाँ लिखा है एक दर्जन आम में से 2/3 आम बच्चों में बांट दिए तो शेष आमों की संख्या बताइए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसा प्रश्न कह रहा है उस प्रश्न को बच्चों को अच्छी तरह समझा दे, हमको समझ ले, और इसके सारे विकल्प को पढ़ लेते हैं, ए 6 आम, बी 10 आम, सी 8 आम, और डी 4। अब देखिए एक दर्जन आम की बात हो रही, तो सबसे पहली बात तो यह है कि एक दर्जन में कितना होता है, बच्चों को मालूम होना चाहिए, एक दर्जन बराबर 12, यह होता है, ठीक है। अब एक दर्जन आम में से 2/3 आम, अर्थात 2/3 बोले तो 2/3, ठीक है, ये 2/3 होता है, 2/3 आम बच्चों में बांट दी तो शेष आमों की संख्या बताइए, शेष कितने आम बचेंगे,
दो तिहाई जब हम बढ़ देंगे मान लो, तो दो तिहाई कहने का आशय यह है कि 12 का, यहां हम हल करा दे बच्चों को, 12 का दो तिहाई यानी 2/3 बराबर, इसको हल करेंगे तो 12 × 2/3 ठीक है, अर्थात 3 × 4 = 12 और 4 × 2 = 8। तो 8 आम बच्चों में बांट दिए गए, तो शेष आम कितने बचेंगे, कुल मिला के 12 आम है, तो 12 में से 8 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा हमारा डी 4 आम। अब बच्चों को दूसरी तरह से भी हम समझा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि किस प्रकार उनको हल करना है, या बच्चे इस प्रकार भी समझ सकते हैं। जैसे यहां पर हम बात करें कि एक दर्जन आम बराबर 12 ठीक है। अब यहां पर तिहाई की बात करें, तिहाई मतलब यानी इस 12 आम के हमको तीन हिस्से बराबर बराबर करना है, तो बच्चों को समझा देंगे, 3 का भाग देंगे तो 3 × 4 = 12 आ जाएगा, 4 आ जाएगा है ना। तो एक तिहाई में 4 आम है, तो दो तिहाई में कितने आम होंगे, दूसरी तिहाई में भी 4 आम, तीसरी तिहाई में भी 4 आम, इस तरह 3 तिहाई है तो 4 आम आ रहे, तो मिला के 12 आम हो गए। ये जो दो तिहाई आम बांट दिए गए, यानी 4 और 4 = 8 आम बांट दिए गए, तो बचेंगे कितने, शेष 4 आम बचेंगे। तो इस तरह हम बच्चों को बता सकते हैं कि उत्तर हमारा 4 आएगा। और यदि भिन्न की तरह हल कराना है तो हम बच्चों को बता सकते हैं कि 12 का 2/3 अर्थात उसको हम हल कर लेंगे तो उत्तर आ जाएगा तुम्हारा 8। और 8 आम जब बांट दिए गए तो निश्चित तौर से 12 में से 8 आम बटे तो बचे 4 आम, इस तरह हमारा उत्तर होगा। और हम आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 35 पर। तो छायांकित भाग का दशमलव में मान क्या होगा, यह देखिए चित्र को, इस चित्र में ये छायांकित भाग ये है, और सबसे पहले हम गिन लेते हैं कि इसमें कुल कितने खंड है बराबर माप के, 1, 2, 3, 4, 5 खंड है, और 5 खंडों में से एक जो खंड है वो छायांकित है। तो इसका दशमलव में मान पूछा गया है, और इसके विकल्प है ए 0.1, बी 0.2, सी 0.5 और डी 0.4। अब यहां देखेंगे जब हम इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो भिन्न के रूप में कैसा लिखेंगे, क्योंकि यहां कुल 5 भाग है तो हर में हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और एक भाग छायांकित है तो हम एक ऊपर लिखेंगे। अब इसको भिन्न को दशमलव बताने के लिए हम बच्चों को बता दे कि हम अंश में भाग दे देते हैं काय का, हर का। अब मतलब 0 बार पढ़ सकते हैं, 5 × 0 = 0, ये ठीक है, फिर बच गया एक। फिर अब दोबारा हम भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, इसे हम यहां उतारेंगे दशमलव, और यहां उतार लेंगे 0 और 5 × 2 = 10 ठीक है। इस तरह से यहां पर 0 0 आ जाएगा ठीक है। तो हमारा उत्तर आप देख रहे हैं यहां पर कितना आ रहा है, 0.2 आ रहा है, अतः यही उत्तर हमारा सही होगा। यानी यहां पर 1/5 बराबर क्या होगा, 0.2 होगा ठीक है, क्लियर होगी बात। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 36 पर। तो यहां देखेंगे कि घेरे में 3/5 की तुल्य भिन्न क्या होगी। यहां पर घेरे, यहां घेरा दिया हुआ है ये वाला ठीक है, इस घेरे में 3/5 की तुल्य भिन्न, यहां पर घेरे में क्या दिया हुआ है, 3/5, 3/4, 1/15, 6/10 और 4/5 तुल्य भिन्न अर्थात इसके बराबर मान की भिन्न ठीक है। ए में दिया है 3/5 व 6/10 ठीक है, और यहां पर 3/5 व 3/4 यहां दिया है 3/5 और 3/4/5 और डी में 3/5 व 1/15। तो यहां पर देखेंगे कि यहां 3/5 तो 3/5 यहां दिया, निश्चित तौर से ये इसके तुल्य भिन्न है, और यहां 6/10 निश्चित तौर से 3 में अगर 2 का गुणा करते हैं 3 × 6 जाएगा, और इसे 5 में 2 को तो 2 का गुणा करेंगे तो 5 × 10 आ जाएगा, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, ए ही सही होगा। बी में ये तो तुल्य है परंतु ये 3/4 तुल्य नहीं है, सी में 3/5 तुल्य है किंतु 4/5 तुल्य नहीं है, इस तरह डी में 3/5 तुल्य है किंतु 1/15 तुल्य नहीं है ठीक है। इस तरह से हम बच्चों को तुल्य भिन्न के संबंध में बता सकते हैं कि किसी भी भिन्न के अंश और हर में यदि हम एक समान संख्या का गुणा करें या भाग करें तो उस भिन्न के मान में कोई अंतर नहीं आता, जो भी भिन्ने प्राप्त होती हैं वे सारी भिन्ने उसकी तुल्य भिन्ने होती हैं। जैसा कि यहां पर बताया गया है कि 3/5 में एक समान संख्या का गुणा करें या भाग करें तो कोई अंतर नहीं आता मान में। देखो यहां पर 3/5 में ऊपर भी 1 का नीचे भी 1 का गुणा करेंगे तो 3/5 जाएगा, और 3/5 में ही ऊपर 2 का गुणा नीचे 2 का गुणा करेंगे तो 3 × 6 और 5 × 10 आ जाएगा। तो ये दोनों क्या है, 3/5 के तुल्य भिन्न है, बाकी कहीं पर भी कोई तुल्य भिन्न नहीं है। तो इस तरह प्रश्न क्रमांक 36 हुआ, और इस प्रश्न पत्र में भिन्न से संबंधित जो अंतिम प्रश्न था वो प्रश्न क्रमांक 37 था, और
वह क्या है पढ़ लेते हैं। यहाँ पर एक बटे दो का दशमलव रूप कौन सा है, एक बटे दो का दशमलव रूप। अब यहां देखेंगे एक बटे दो, ये दिया है एक बटा दो। अब इसका दशमलव रूप, यहाँ ए नंबर एक दशमलव दो, बी शून्य दशमलव दो, सी शून्य दशमलव पांच और डी दो दशमलव एक। अब बच्चों को हम बताते हैं कि किसी भिन्न को दशमलव बदलने के लिए हम क्या करते हैं, अंश में हर का भाग दे देते हैं या दो का भाग देंगे। ठीक है, पहली बार हम देंगे तो दो शून्य शून्य बच जाएगा एक। ठीक है, फिर उतारेंगे दशमलव, यहां उतार लेंगे शून्य और दो पंचे दस। इस तरह पूरी पूरी बार भाग चला गया, हमारा उत्तर क्या आएगा, शून्य दशमलव पांच, और यहां दिया है सी नंबर में शून्य दशमलव पांच। तो इस तरह यह हमारा उत्तर होगा। तो साथियों, इस तरह से आज के इस कालखंड में मैंने प्रतिभा पर्व में गणित के मूल्यांकन हेतु जो प्रश्न पत्र आया था, उस प्रश्न पत्र में भिन्न से संबंधित अर्थात फ्रैक्शन से संबंधित जो भी प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों को यहां पर हल कराने का प्रयास किया है। आशा है आज मैंने जो भी जानकारी आपको प्रदान की है वह काफी ज्ञानवर्धक लगी होगी और हमारे विद्यार्थी इन प्रश्नों को आगामी समय पर हल करने में समर्थ हो पाएंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज के इस कालखंड से मैं विदा लेता हूं। अगले कालखंड में नई जानकारी नए प्रकरण के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।